गर्मियों में ठंडा ठंडा बादाम मिल्क शेक पीने में जितना अच्छा लगता है उतना ही ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और आज बिना चीनी का एकदम बाजार जैसी बादाम मिल्क शेक बनाएंगे, तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए गैस पे एक कढ़ाई रख देंगे, इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डाल देंगे, इससे दूध बर्तन में नहीं लगेगी। अब हम यहाँ पे 1/2 लीटर फुल फैट मिल्क यानी कि दूध डाल देंगे। आप यहाँ पे टोन मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे दूध को हम बिल्कुल गाढ़ा करेंगे, जिससे दूध की जो एक अपनी मिठास होती है ना, वो मिल्क शेक में आएगी और उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यकीन मानिए, अगर आप एक बार बाज़ार से कंपेयर कर लेते ना इस बादाम मिल्क शेक को, तो फिर उसे पीना बिल्कुल ही भूल जाइएगा। हमेशा आप घर पे ही बना के पीजिएगा और आसान से बन भी जाती है। आप एक बादाम लेंगे, इसको ऑलरेडी हमने पानी में डालकर छोड़ दिया था, अब इसका छिलका उतार लेंगे। अगर आप बादाम डालना भूल गए हैं और तुरंत बादाम भिगा कर उसे छिलका उतारना चाहते हैं, तो क्या करें, एकदम गर्म पानी में बादाम को डाल दें, 15 मिनट के लिए छोड़ दें रेस्ट करने के लिए। उसके बाद आप उसका छिलका उतारें, देखिएगा बहुत ही ईजिली वो उतर जाती है। यहाँ पे हमने सारे बादाम के छिलके उतार लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक करछी इसमें दूध डाल देंगे। आप चाहे तो, अगर आपके पास सिर्फ 1/2 लीटर है तो उसमें से आप 2 करछी दूध अलग कर लें। 1 करछी यहाँ पर डालेंगे और 1 करछी हम आपको आगे बताएंगे। 1 करछी दूध डालकर एक अच्छा फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, हमारा फाइन पेस्ट रेडी हो चुका है। अगर आपका कोर्स भी रहता है ग्राइंडिंग जार में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट बहुत ही अच्छा है। बादाम पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम एक बाउल में 2 छोटी चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे। ये वनीला फ्लेवर का यहाँ पर हमने यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी फ्लेवर का यूज़ कर सकते हैं। अब कस्टर्ड पाउडर में हम 1 करछी वापस से दूध डाल देंगे। हमने आपको बताया था ना कि 2 करछी हमें दूध निकाल कर अलग रखना है, तो 1 करछी वापस से यहाँ पे डालेंगे और इसे डालकर एक अच्छा घोल रेडी कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा घोल रेडी हो चुका है। अब चलते हैं वापस दूध की तरफ। यहाँ पे ये देखिए, दूध को यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने 6 से 7 मिनट उबाला है। बीच बीच में हमने इसे इसी तरीके से चलाते रहा है, तो आप साइड साइड देख भी सकते हैं, मलाई जमना स्टार्ट हो गई है। और ये जो साइड साइड मलाई ना, इस करछी की हेल्प से निकाल कर दूध में मिला देंगे ताकि स्वाद और अच्छा आ जाए। अब हम लोग इसमें मिश्री ऐड करेंगे। 2 चम्मच हम यहाँ पे मिश्री ऐड किए हैं, क्योंकि दूध में ऑलरेडी मिठास आ जाती है जब वो गाढ़ा होता है। यहाँ पे हम ढेले वाली मिश्री को क्रश करके डाले हैं 2 चम्मच। अगर आप चाहे तो वो छोटी छोटी वाली मिश्री होती है, या आपके तरफ जो भी मिश्री मिले वो डाल दें, बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है शुगर का यानी कि चीनी का। जो हम लोग रिफाइंड शुगर खाते हैं ना, उसका बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बादाम का पेस्ट डालेंगे और इसे भी डालकर बस 2 से 3 मिनट अच्छे से बादाम के साथ मिक्स कर लेंगे। वापस से हमने यहाँ पे 6 से 7 मिनट पकाया है, तो आप देखते होंगे दूध की जो क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है। ऑलमोस्ट मतलब कि अगर 100% था तो यहाँ पे 60-65% हमारा दूध आ चुका है उस स्टेज पे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कस्टर्ड का जो हमने घोल रेडी किया था वो ऐड कर देंगे। उसको डालकर इसे भी अच्छे से दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। और इसे डालने के बाद ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें दूध के साथ पकाना है, ताकि जो कस्टर्ड पाउडर है ना वो अच्छे से मिल जाए। अब हम लोग इसमें 2 क्रश करके इलायची डालेंगे। यहाँ पे इलायची हमने छिलके के साथ डाली है, क्योंकि जो इलायची का छिलका होता है, जितने उसके दाने में फ्लेवर होती है उतने उसके छिलके में फ्लेवर कहीं उसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम इसे डाल देंगे और 3 से 4 मिनट इसे उबलने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से उबाल लिया है, तो ऑलमोस्ट हमारा जो ये मिल्क शेक है वो रेडी हो गया। ये आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा है, और जब ये ठंडा होगी तो और गाढ़ा होगी। तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो छिलका निकाल लेते हैं यहाँ पे इलायची का। तो यहाँ पे हम छिलका निकाल लेंगे और उसके बाद गैस को हम ऑफ़ कर देंगे, एक बार अच्छे से मिला लेंगे। इससे ज़्यादा आप गाढ़ा ना करें, वरना क्या होगा, ये कुल्फ़ी वाले स्टेज में आ जाएगी। तो हमें उतना नहीं बनाना है, हमें बस गाढ़ा करना है, बट ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना है। तो यहाँ पे ये देखिए, हम यहाँ पे अच्छे से कढ़ाई के साइड साइड से मलाई को निकालकर इसमें मिला देंगे। इससे टेस्ट, जो ये मलाई का टेस्ट इसमें जाता है ना, वो बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके करछी में लग रहा है तो आप क्या करें, चम्मच की हेल्प से इसे निकाल कर इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लें।
ये हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं। तो ठंडा करने के लिए पहले इसे रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। अगर आपको बिल्कुल जल्दी में करना है तो फिर आप क्या करें कि इसे तुरंत रूम टेम्परेचर पे लाएं, थोड़ा बड़ा पतीला में करें, बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। फिर आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें, आपका मिल्क शेक एकदम चिल्ड हो जाएगा और पीने के लिए भी रेडी हो जाएगा। तो यह देखिए यहाँ पे कितना गाढ़ा हो चुका है। हम आपको बताए थे ना कि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा होता है, तो देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे ग्लास में निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने ग्लास में इसे निकाल लिया है, ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में हम यहाँ पे लेंगे बादाम और पिस्ता। आप चाहे मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स लेकर इसमें डाल सकते हैं, या फिर बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इसे इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे या फिर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिसने नहीं भी किया है वो भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करना ना भूले। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, थैंक।